दोस्तों यह है जयपुर रेलवे स्टेशन। अच्छा तो दोस्तों देखो डोस आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी और भानगढ़ के लिए भी। तो दोस्तों देखो ये है भानगढ़ का किला। चलो फ्री में सच्ची में ये गेट है मेन। वहाँ पे एक बहुत तांत्रिक रह रहा था ऊपर, उसके चक्कर में तो हुआ है यहाँ पे कुछ। मोर बोल रहे ये सब यहाँ पे बोला गया था बाजार। सामने आ गया किला बस यही छोटा सा ही बस भी लोग रह गया था समर गए अचानक मुझे हो गया एकदम। हाँ यहाँ पे सब बाजार लगे रहता, किसी के घर थे किसी का पूरा गांव था यो। रास्ता याद रखियो भाई। प्राचीन स्थल भानगढ़ क्या लिख रहा है, भानगढ़ के प्राचीन स्थल में राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी शाही महल। इधर को चला महल तो उधर है ना। वाव ना अभी तुम्हें पता ना इसमें यहाँ पे तुम्हें ये पसंद लगा। दिन में तो कुछ ना होता रात में होगा जो होगा यहाँ पे। हाँ हाँ ये सब जाते हैं भानगढ़। और भी देखिए लोग कहाँ तक देख रहे हैं खिड़कियों से। अरे ये कुछ ना करे अंदर हाँ।
कहाँ है इधर को, मेरे तो किला ही है ना। ये कहाँ का पेड़ है, चलो भाई आओ अंदर चलने के लिए। क्या ये है पूरा भानगढ़ का, देख यहाँ से सब। हाँ मिस्टर इंडिया क्रिएटिव। ये देख यहाँ से पूरा पूरा गांव दिख जाएगा। ये सामने वो है तांत्रिक की जहाँ रह कर रहता है। सामने मंदिर है वो है नहीं। चलो बहुत सारे चमगादड़ है यहाँ पे तो। आगे को भी और उधर मंदिर है शायद। चेतावनी वंजे आवरण के अनुमति प्रवेश विश्राम एकत्र होने वाला 1953 के। अबे छतरी लाए थे काम में। हाँ छतरी कहाँ दूसरी। चलते हैं फिर भानगढ़ से, अब चलेंगे मेहंदीपुर बालाजी। और यही था भानगढ़ तक का यहाँ पे भाई, रात को 5 बजे के बाद तो आना मानेंगे। चलें देखो ये लिख दिया शाह महल पूरी बस्ती एक के बाद एक सीन सुरक्षा प्राचीर से सुरक्षित की गई है। ब्रह्मा सुरक्षा प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमश अजमेरी लोहरी हनुमान फुलवारी है। गोपनाथ जो नागर के शाही से माना जाता परंतु अब इसकी 4 मंजिले शेष हैं। पूरी बस्ती के बारे में सुरक्षा 1955 मुगल सम्राट अकबर भगवत दास।